हरेली त्योहार पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक में सीएम भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा। हरेली त्योहार पर मालवीय नगर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सर्वप्रथम हरेली त्योहार पर कृषि यंत्रों की पूजा की, जिसके पश्चात स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की याद में वृक्षारोपण किया और आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी को सभी लोग राजनीति के चाणक्य के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा। उन्होंने कहा, स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम में ही वासुदेव है और वासुदेव का दूसरा नाम कृष्ण है, तो इससे बेहतर उनका परिचय नहीं हो सकता। और साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वैसे तो चंद्राकर जी 14 वर्ष की आयु से ही स्वतंत्र भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रहे और छत्तीसगढ़ की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। उनकी छवि हमेशा से किसान हितैषी रही। किसान के हितों पर कभी समझौता न करने वाले स्वर्गीय चंद्राकर जी खुद को खेती किसानी की बहुत अच्छी समझ रखते थे। इस अवसर पर लक्ष्मण चंद्राकर व प्रतिमा चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार व आर्किटेक्ट का सम्मान भी किया गया, जिसमें पद्मश्री नेल्सन, मूर्तिकार शंभु ताम्रकार, मोहन बराल और किशोर सिंधे इंजीनियर सम्मिलित हैं। वहीं कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, श्री आर एन वर्मा, नगर पालिक निगम दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, अब्दुल गनी, पार्षद बबीता यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित थे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज दावादी चंद्राकर जी जो अनेक बार यहाँ विधायक रहे, मार्केट के चेयरमैन रहे, 17 साल मार्केट के चेयरमैन और 30 साल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूप में जो उन्होंने सेवाएँ कांग्रेस को दी और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो किसानों के मजदूरों के हित में जो उन्होंने काम किया पूरे दूर जिले में, उसी कभी नहीं बुलाया जा सकता। और ऐसे महान शख्सियत के आज मूर्ति का अनावरण हुआ, हम सबके लिए गौरव होगा। नहीं नहीं, मालवीय चौक के नाम से ही जाना जाएगा या फिर दाऊ के नाम? नगर निगम के, नगर निगम वालों को खुश रहो। पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर है 4 दिन से, किस रूप से देखते हैं? उनकी मांग है 34% का डीए बढ़ गया है। अब उनकी बात को अब 40% दे रहे हमें व्यवस्था बिजली की। देखो प्रेम प्रकाश पांडे जी बाहर में रख गुमराह ना करें, सत्ता में थे आज तक क्यों नहीं किया? हम भिलाई स्टील प्लांट को कह रहे हैं कि वो बिजली की व्यवस्था हमको दे दे, ताकि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी वहाँ जो टाउनशिप एरिया में रह रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। ये तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने भी बात की और हम लोग भी बात कर रहे हैं और वो प्रक्रिया में तो जबरदस्ती श्रेय लूटने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति गलियारों में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और अब दुर्ग में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की प्रतिमा लग जाने से अब दुर्ग जिले की राजनीति को एक नया आयाम मिल पाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।